जिस उम्र के लड़के घर, स्कूल और कॉलेज में अटके रहे, उसी उम्र के चेस प्लेयर रामबाबू प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को परास्त कर दिया। ये वही कार्लसन है जो दिग्गज शतरंज खिलाड़ी, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर चैंपियन बने थे। लेकिन इस बार कार्लसन मात खा गए, वो भी 16 साल के भारतीय रामबाबू से। रामबाबू ने वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन को चेजेबल मास्टर्स के 5वें दौर में हराया। ये भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद रमेश प्रभु की कार्लसन पर दूसरी जीत है। इससे पहले रामबाबू ने फरवरी में खेले गए एयर थिंग्स मास्टर में विश्व चैंपियन कार्लसन को परास्त किया था। चेजेबल मास्टर्स के 5वें दौर में नॉर्वे के कार्लसन ने बड़ी गलती की और भारतीय स्टार ने इसका फायदा उठाते हुए उन्हें मात दे दी। पहले ये मुकाबला ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन 40वें मूव में कार्लसन ने अपने काले घोड़े को गलत जगह पर रख दिया। फिर क्या था, इस मूव के बाद भारतीय खिलाड़ी ने उन्हें वापसी का मौका नहीं दिया और अचानक ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद रामबाबू ने कहा कि मैं इस तरह से जीत हासिल नहीं करना चाहता हूं। इस जीत के साथ ही ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद ने नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदें बनी हुई। 150,000 अमेरिकी डॉलर, जो कि 1.16 करोड़ रुपए की इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन के बाद भारतीय स्टार रामबाबू के 12 अंक हो गए, जबकि 2022 के वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन दूसरे स्थान पर, चीन के वी यी इस टूर्नामेंट में पहले स्थान पर है। दुनिया के सबसे ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है, जिसमें 16 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चेन्नई के रामबाबू ने साल 2018 में प्रतिष्ठित ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल किया। रामबाबू यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। रामबाबू सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर की सर्वकालिक सूची में 5वें स्थान पर है। भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने उनका मार्गदर्शन किया है। ग्रैंड मास्टर बनने के बाद से प्रज्ञानंद ने लगातार प्रगति की, लेकिन इसके बाद कोविड-19 महामारी के कारण कई टूर्नामेंट रुक गए। रामबाबू को क्रिकेट पसंद है और उन्हें जब भी समय मिलता है तो वह मैच खेलने जरूर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।